एपिसोड के स्टार्टिंग में नामी को दिखाया जाता है जो फॉक्सी से बोलती है कि क्योंकि अब ये एक लास्ट राउंड है तो हम सब ये चाहते हैं कि हम सबको दाव पर लगाकर खेलें, ताकि अगर हम इस राउंड को हार भी गए तब भी एक साथ ही रहें। जिसे सुनकर फॉक्सी बोलता है कि हाँ, ये सही रहेगा। अगर इनकी पूरी टीम मेरे क्रू में आ गई तो फॉक्सी पायरेट और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, जैसा तुमने बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अपने पूरे 500 लोगों को दाव पर लगाता हूँ। अगर तुम जीते तो 500 लोग तुम्हारे, पर अगर तुम नहीं जीत पाए तो तुम्हारे आगे आने वाले बच्चों तक को हमारे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसे सुनकर शांजी अपने मन में बोलता है कि वाह, मेरे बच्चे होंगे। यहाँ पर उसाब बोलता है कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि अगर हम हार भी गए तो भी साथ ही रहेंगे, और अगर जीते तो भी। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि लूफी, अब ये सब तुम्हारे पर है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। पीछे से फॉक्सी ये सब सुनकर बोलता है कि ये बढ़िया है कि तुम जीतने के लिए इतना ज़्यादा जोश में हो, लेकिन मैं बता दूं कि आखिरी राउंड में कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, चाहे कुछ भी कर लो, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ हारने के लिए। जिसे सुनकर लूफी उससे बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। फॉक्सी ये सुनकर बोलता है कि ये तो देखा जाएगा कि कौन जीतता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब टाइम आ गया है गेम शुरू करने का। तो सबसे पहले दोनों टीम के कैप्टन को एक कैनन को घुमाना है और जिस तरफ वो इशारा करेगा उसी तरफ लड़ाई होगी। पर तभी अचानक से वो कैनन दूसरी तरफ घूम जाता है, जिसे देखकर उसाब बोलता है कि ये तो चीटिंग हुई ना, अगर पहले ही ये सब तय था तो ये करा क्यों। यहाँ पर गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर लड़ाई की जगह चुन ली गई है, लड़ाई होगी हमारी फॉक्सी शिप पर। और अब मैं रूल्स बता देता हूँ। जहाँ पर वो कैनन गिरी उसके 50 मीटर के अंदर का सारा हिस्सा लड़ाई का होगा। हथियार अलाउड है, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो कि शिप पर होगा। जीतने के लिए अपने अपोनेंट को सर्कल से बाहर फेंक दो और तुम जीत जाओगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी बहुत सारी दुकानें भी हैं तो वहाँ से कुछ खरीदना ना भूलें। और यहाँ पर उसाप और लूफी ये सुनकर उसे खरीदने पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर नामी बोलती है कि ये सब करना बंद करो और गेम पर फोकस करो। पीछे से शांजी नामी से बोलता है कि नामी सान, आप चिंता मत करो, लूफी ज़रूर जीतेगा। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। यहाँ पर रॉबिन एक आदमी से बोलती है कि ये कितने का है। जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि तुम दोनों के लिए बिल्कुल फ्री है, जितना मर्जी उतना ले लो। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि ये लोग भी अच्छे ही हैं, पर जो भी हो लूफी ही जीतेगा। जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि पर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो लूफी भी कैप्टन नहीं रह पाएगा और हम सब फॉक्सी पायरेट के गुलाम बन जाएंगे। चॉपर ये सब सुनकर ये सब इमेजिन करता है और बोलता है कि लूफी नहीं हारेगा, मुझे उस पर भरोसा है कि वो ज़रूर जीतेगा। जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि हाँ, चिंता मत करो, वो नहीं हारने वाला। फिर यहाँ पर लूफी और उसाप को दिखाया जाता है जो आए होते हैं फॉक्सी पायरेट के ड्रेसिंग रूम में, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये जगह तो कमाल की है। पीछे से उसाप एक चीज को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही ड्रेस निकली।
फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेम का लास्ट राउंड शुरू ही होने वाला है और शांजी बोलता है कि नामी सान आप कहाँ पर हो, जिसे देखकर जोरो उसे गिरा देता है और बोलता है कि आंखें हैं या फिर बटन, इधर देखो। यहाँ पर गेम अनाउंसर बोलता है कि ये लड़ाई दो कैप्टन के बीच में होगी, एक तरफ है मंकी डी लूफी और दूसरी तरफ हमारे कैप्टन फॉक्सी। तो राइट कॉर्नर पर आ गए हैं हमारे कैप्टन फॉक्सी, जो आज तक कभी भी नहीं हारे, जिसे सुनकर फॉक्सी बोलता है कि हाँ मैं ही जीतूंगा, बस देखते रहो। यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो लूफी को लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि सुनो लूफी, तुमने जो कपड़े पहने हैं वो एक चैम्पियन की निशानी होती है। माना जाता है कि जो भी ऐसे कपड़े पहनता है वो कभी भी नहीं हारता, इसलिए तुम ही जीतोगे, बस मेरी ट्रेनिंग को याद रखना। जिसे सुनकर लूफी स्माइल करता है और बोलता है कि चिंता मत करो। और ये कहने के बाद राइट कॉर्नर पर एंट्री होती है लूफी की, जिसे देखकर शांजी बोलता है कि लूफी तुम तो मस्त लग रहे हो। यहाँ पर उसॉप लूफी को कुछ टिप्स दे रहा होता है और यहाँ पर गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर ठीक है, गेम शुरू करने का टाइम आ गया। पीछे से उसॉप ये सब सुनकर बोलता है कि एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं हूँ लूफी का कोच, मैंने ही उसे ट्रेनिंग दी थी, छोटे से लेकर अब तक जो भी उसने सीखा वो मेरे से ही सीखा है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम मर ना जाओ। जिसे सुनकर गेम अनाउंसर उससे बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब चले जाओ यहाँ से। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि ये कैप्टन उसॉप की बेइज्जती हुई। और इस सब के बाद गेम शुरू हो जाता है और फॉक्सी लूफी से बोलता है कि चिंता मत करना, तुम कुछ भी तोड़ सकते हो, क्योंकि हमारी शिप पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसे कुछ ही देर में ठीक कर देंगे। पीछे से नामी लूफी से बोलती है कि लूफी उसकी स्लो वाली बीम का ध्यान रखना कि वो तुम्हें लग ना जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर लूफी अपना पहला अटैक कर देता है पर फॉक्सी उसके अटैक से बचकर उसे स्लो कर देता है और बोलता है कि क्योंकि मेरे पास स्लो वाला डेविल फ्रूट है, तुम मेरी पावर्स के सामने कुछ भी नहीं और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और ये कहने के बाद वो वापस से लूफी पर स्लो वाला अटैक कर देता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि मैंने बोला था उसे इसका ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर फॉक्सी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद वो बड़ी तेजी से लूफी को पंच मारने लगता है और बोलता है कि बस 30 सेकंड का इंतज़ार करो और जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे तुम्हारा काम तो ख़त्म समझो। और जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट हुए लूफी को बहुत तेज़ी से लग जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है, पर वो अपने आप को संभाल कर वापस से ऊपर आ जाता है और बोलता है कि मुझे उसकी बीम से बचना होगा, पर आखिरकार वो है कहाँ पर। और तभी लूफी के ऊपर फॉक्सी बहुत सारे एरो से हमला कर देता है, जिसे देखकर फॉक्सी बोलता है कि क्योंकि अब तुम मेरी शिप पर हो तो मुझे हराना काफ़ी मुश्किल होगा। और ये कहने के बाद वो वापस से लूफी पर अपना स्लो वाला हमला कर देता है और अचानक से लूफी के पीछे आकर उसे मार के फेंक देता है और बोलता है कि माफ़ करना, पर अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे से उसॉप ये सब देखकर बोलता है कि लूफी मेरी ट्रेनिंग को याद करो और उसे सबक सिखा दो। और इस दूसरी तरफ फॉक्सी अपना हमला करता है और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका, जिसे देखकर सब लोग
काफी ज्यादा चौंक जाते हैं।